हेलो स्टूडेंट, कौशल प्राइवेट के आईटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से लेक्चर नहीं हो पा रहा था, आज से लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में आपका टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है अल्टरनेटिंग करंट? मतलब प्रत्यावर्ती। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। होता क्या है इसके बारे में, सबसे पहले डीसी करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। दृष्ट धारा, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ये क्या है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, वह राशि या वह क्वांटिटी जो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ स्थिर रहे, जो समय के साथ स्थिर रहे। मान लीजिए अगर ये टाइम एक्सिस है, टाइम अक्ष है, और ये धारा, जो समय के साथ धारा क्या रहे, स्थिर रहे, मतलब कि परिमाण परिमाण फिक्स रहे और दिशा भी क्या हो, फिक्स हो, तो वो क्या कहलाता है, दृष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट ठीक है, जब कोई भी क्वांटिटी समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदले। जैसे कि इधर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जीरो टाइम पे परिणाम कितना था, मान लीजिए यहाँ यदि ये 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट है, चाहे 5 एम्पियर है, ठीक है, 5 वोल्ट है या 5 एम्पियर है, तो जीरो टाइम पे t बराबर 1 सेकंड पर कितना है, तभी उतना ही है, t बराबर 2 सेकंड पे 5 वोल्ट 5 एम्पियर है। ये जो समय के साथ क्या है, जो इसका परिणाम जो है फिक्स है, समय बदल रहा है लेकिन परिणाम और दिशा क्या है, फिक्स है। ठीक है, इस पॉइंट में देखते हैं, इसमें इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है अगर, ठीक है, तो यदि टाइम जीरो लेते हैं, तो टाइम जीरो पर इसका जो भी जो है क्या है, जीरो है। टाइम t1 पर भी क्या है, बढ़ रहा है और दिशा भी बढ़ रहा है। देखो पहले जीरो मूल बिंदु पे था, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऊपर ऊपर की ओर राइज कर रहा है, फिर डाउन करेगा, समय के साथ बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी दिशा भी बदल रहा है। ठीक है, यानी कि परिमाण, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों क्या हो, दोनों चेंज हो, क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगा। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा धारा कला मतलब फेज से न्यूट्रल की ओर, मतलब फेज से क्या जी, न्यूट्रल की ओर करंट फ्लो होता है। ठीक है, किस रूप में, वेव के रूप में, मतलब तरंग के रूप में। ठीक, लेकिन लेकिन दृष्ट धारा में जो करंट का प्रवाह होता है, ठीक है, वो प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, ये है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर बताइए। चूंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें उतना अंतर नहीं पूछेगा, फिर भी जान लेते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर क्या है। ठीक है, दृष्ट धारा को हम डीसी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या है, डायरेक्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट, और ये क्या है डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है,
ये क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका जो परिमाण होता है, परिमाण परिवर्तन होता है, ठीक है ना, परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, लेकिन ये क्या रहता है, स्थिर रहता है समय के सापेक्ष, ठीक है। अच्छा, आयाम, आयाम भी क्या रहता है, ये बदलता है। आयाम मतलब कि मतलब ये कितना वेरी कर रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, देखिए बढ़ रहा है ये घट रहा है, ये आयाम होता है। इसका जो आयाम है क्या है, फिक्स है, देखिए इसको क्या है, आयाम मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर रहा है आयाम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इसका आयाम क्या है, फिक्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो आयाम क्या है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ये क्या है, स्थिर है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें फेज होता है और न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का बात होता है, ठीक। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ और जानते हैं, और उसको पढ़ने के लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन जानते हैं, मतलब कुछ शब्दावली जानते हैं कि आवर्त क्या क्या होता है, ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, ठीक है, और आयाम क्या होता है, श्रृंग क्या होता है, गर्त क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, साइन वेव का फॉर्म है, साइन वेव, ठीक है, क्या साइन वेव है, इसको मान लेते हैं वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, इसका क्या है समीकरण है, इस ग्राफ का समीकरण क्या है, मान लीजिए वोल्टेज के फॉर्म लिए हैं, करंट है, तो वोल्टेज वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक। अच्छा, पहली बात तो देखते हैं कि आवर्त क्या क्या होता है, आवर्त टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्त काल, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में, मतलब कि जैसे हमारे जब मूल बिंदु शुरू हुआ है, तो ये जो है एक चक्कर पूरा करने में जीरो, और ये जो बनाता है पाई बाई टू पाई बाई टू पाई, मतलब एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्त काल, ठीक है, आवर्त काल, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आवर्त काल का मात्रक क्या हो जाएगा, काल का मात्रक समय है, आवर्त काल क्या है, काल क्या है, समय है, समय मतलब यानी कि आप लिख सकते हैं सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब होता है आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब इसे मान लीजिए एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है, ठीक है, उसी तरह आवृत्ति को हम परिभाषित करने के लिए, ठीक है, आवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना ये चक्कर लगा रहा है, भले ही एक सेकेंड में आधा लगाए या दो लगाए, चार लगाए, पांच लगाए या सौ लगाए, मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है ना। यानी एक सेकेंड में पूर्ण चक्करों की संख्या, ठीक है, तो लिखेंगे आवृत्ति कहलाएगा, यानी कि आवृत्ति की लिख सकते हैं, आवृत्ति को हम यहां से परिभाषित करते हैं, तो यानी कि वन अपान समय, यानी कि क्या चीज, टी, तो यह बड़ा कितना गया, वन अपान टी, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, ताक्षणिक मान क्या होता है, ताक्षणिक, ताक्षणिक, ताक्षणिक मान, ठीक है, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के मान को ताक्षणिक मान करते हैं। मान लीजिए यदि हम किसी भी क्षण टी बराबर एक से जीरो पे वोल्टेज कितना है, जीरो है, तो अगर टी बराबर जीरो मतलब जीरो समय पे वोल्टेज कितना है, जीरो है, टी बराबर वन पे कुछ वोल्टेज होगा यहाँ पर, टी बराबर टी टू पे कुछ यहाँ वोल्टेज होगा, टी बराबर थ्री पे कुछ वोल्टेज होगा, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जो वैल्यू बताएगा उस समय के लिए वह ताक्षणिक मान कहलाएगा, ठीक है।
उसको समझने के लिए तात्क्षणिक मान उपलब्ध। ठीक, उसके बाद आता है आपका आयाम, आयाम या अधिकतम मान। ठीक है, आयाम या अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा के जो ये तात्क्षणिक जो अधिकतम मान यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है ना, किसी प्रत्यावर्ती धारी राशि के एक पूर्ण चक्र करने में, जैसे मान लीजिए कोई प्रत्यावर्ती राशि है जो एक चक्र पूर्ण कर रहा है, तो जो धन दिशा में जो अधिकतम वैल्यू जा रहा है, ऋण दिशा में अधिकतम वैल्यू जो आता है आ रहा है, इसी को आयाम कहते हैं। मतलब आयाम ये है, आयाम मतलब अधिकतम मान प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्कर, मतलब जो कोई पूर्ण कर रहा है साइकिल, साइकिल बना रहा है, तो धन दिशा में अधिकतम मान कितना अधिकतम तक जा रहा है और ऋण दिशा में अधिकतम कितना जा रहा है, यही जो वैल्यू आता है या धन में हो या ऋण में हो, जो अधिकतम वैल्यू जो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब रीच कर रहा है जहां तक जा रहा है, वही क्या कहलाता है, आयाम। ठीक है, आयाम कहलाता है। ठीक, अच्छा, तो और उसके बाद आता है आपका कालांतर। कालांतर मतलब, कालांतर ये बोल सकते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, धारा और करंट, सॉरी करंट और वोल्टेज के बीच फेज कोण को फेज अंतर कहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यदि ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसके बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसके बीच जो एंगल बनेगा इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है, उसे कहते हैं फेज एंगल। क्या कहते हैं, फेज एंगल या फेज डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, यदि वोल्टेज से करंट इधर है, आगे है, वोल्टेज से करंट क्या है, आगे है, तब इसको कहेंगे लीडिंग केस। ठीक है, यदि वोल्टेज से करंट क्या है, पीछे है, वोल्टेज से करंट क्या है, इधर इस साइड है, पीछे है, तो इसको कहेंगे लैगिंग। यदि वोल्टेज और करंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसको कहेंगे यूनिटी केस है, यूनिटी मतलब ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है। तो लीडिंग वाला कंडीशन समझ में आया, जब करंट क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा, मतलब आगे की ओर होगा, तो क्या कहेगा, लीडिंग। और जब करंट क्या होगा, पीछे की ओर होगा, तो लैगिंग कहलाएगा। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यदि मान लीजिए वोल्टेज का समीकरण दे दे, Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का समीकरण दे दे, ठीक है, तो क्या होता है कि एक रिफरेंस माना जाता है। मान लीजिए न्यूमेरिकल है, बोल देता है कि V और I के बीच में फेज डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, फेज डिफरेंस बताइए, मतलब कि कालांतर। ठीक है, कालांतर पूछ रहा है कितना होगा, मतलब फाई का मान। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिफरेंस मानते हैं जीरो डिग्री का। ठीक, उसके बाद देखते हैं वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज में कितना कोण बन रहा है, तो इसमें देखेंगे तो कोण कितना हो रहा है, जीरो, तो जीरो बन रहा है, तो जीरो इस पर ले लीजिए, ये किसका है, वोल्टेज का। उसके बाद करंट में देखेंगे, करंट क्या प्लस है, प्लस मतलब आगे की ओर, तो प्लस 30 बना रहा है, 30 बना दीजिए, ये करंट हो गया। तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण क्या कहलाएगा, कालांतर, कालांतर कितना हो गया, 30। अब करंट क्या है, आगे की ओर है, तो क्या लिखेंगे हम, लीडिंग। इस प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, अब जितना भी टॉपिक आज चर्चा किया गया है, प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, ठीक है, आवर्तकाल, आवृत्ति, तात्क्षणिक मान, आयाम, ठीक है, जितना भी अधिकतम मान, कालांतर, जितना भी चर्चा किया गया है, अब उसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा, बुक के माध्यम से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं अभी।